के बाद में लॉकडाउन को लेकर के क्या कुछ विशेष निर्णय फिर से लिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में जैसे कि कोरोना की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर जो संबोधन हुआ था, उसके पश्चात जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यहाँ पे जो निर्णय लिया है कि चूंकि देवास में धीरे धीरे नियंत्रण प्रारंभ हुआ है और थोड़े से हमारी जो पॉजिटिविटी है लगभग 8% से अधिक अभी भी है, तो आगामी 30 तारीख तक हम जिस तरह का अभी कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये ज़रूर हम देखेंगे कि ऐसे समाज के जो लोग हैं जहाँ पे जिनको दिक्कतें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी को आग्रह किया है, पंचायत स्तर तक की जो क्राइसिस कमेटी है, सारे जनप्रतिनिधियों को कि हम कोरोना के जितने भी निर्देश हैं, मास्क या गमछे से मुंह बांध कर रखे, रोको टोको, दो गज की दूरी बहुत ज़रूरी, और सबसे बड़ी जो राहत जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास एक भी आयुष्मान का कार्ड है, निशुल्क उसके परिवार के बाकी सदस्यों का भी इलाज होगा, ये एक बहुत बड़ी राहत है। इसी प्रकार 5 माह का राशन 2 माह का केंद्र सरकार की तरफ से और 3 माह का प्रदेश की सरकार की ओर से सभी पात्रता पर्ची वालों को निशुल्क वितरण किया जाएगा, और बाई चांस कोई 1, 2, 5 लोग छूटे हुए भी होंगे तो उनकी पात्रता पर्ची भी उनकी स्वघोषणा के आधार पर शीघ्र बनेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी अनाज से वंचित नहीं रहेगा, और इन सबसे बड़ी जो आज राहत मिली है, जो मुझे लगता है प्रदेश का हर व्यक्ति इसको महसूस करेगा कि इस कोविड की त्रासदी ने जिन घर के मुखियाओं को छीन लिया उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन और उनके बच्चों की निशुल्क पढ़ाई, सरकार ने परिवार भाव से अपना दायित्व निभाया है। क्राइसिस कमेटी पंचायत से ब्लॉक से लेकर जिला और प्रदेश तक सबको ये तय करना है कि कैसे हम जन जागरण करके, क्योंकि कोरोना से जो भय व्याप्त हो रहा है उससे जनता को मुक्त करना होगा कि डरिए मत, परीक्षण करवाइए, चिंता मत कीजिए, जो मेडिकल किट मिल रही थी पहले ही दिन आप आ जाते हैं, जांच करके दवा लेना प्रारंभ कर देते हैं तो ये कोरोना असाध्य रोग नहीं है, ये तत्काल समाप्त होगा और आप स्वस्थ होकर अपने काम काज में लग सकेंगे। हाँ दीदी, देवास को लेकर के क्या आपने इनपुट दिया, क्या देवास प्रतिक्रिया? देवास भी उन सब बातों का अक्षरशः पालन कर रहा है। नहीं, अभी की रिपोर्ट क्या दी है आपने सीएम साहब को देवास को लेकर? देवास की स्थिति ठीक चल रही है, अन्य जिलों की तुलना में काफी अच्छा है देवास। तो लॉकडाउन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और सब ने मिलकर तय किया है कि इसे 30 तारीख तक और बढ़ाया जाए। कुछ छूट किस तरह की छूट व्यापारियों को, लंबा समय हो गया है और ऐसा कहीं ना कहीं देख रहा है कि किराने की दुकान पर या दूसरी दुकानों पर कहीं थोड़ा सा उनके लिए दूसरी प्रकार की व्यवस्था की है कि कहीं भी किराना के सामान की कोई कमी नहीं आएगी, और दूध तो वितरण हो ही रहा है दोनों वक्त में, इस प्रकार जो अनिवार्य आवश्यक आवश्यकता है उनमें कहीं बाधा नहीं आएगी।